नहीं बाकी जिंदगी गौरी अस्सलाम वालेकुम वसल्लम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरुआत और क्या लीजिए दोस्तों, अल्लाह ताला तुम खुश रखे जी। वीडियो देख रहे जे थले, في هذا ए वीडियो المشهد है يعود सऊदी فريق अरब के اخوان शहर والده नजरान दी। ए जड़ी औरत रो रही है ना, एक साल पहले इस भाई को ना एक मामूली जी तलख कलामी ने वजह तो दो कजन की लड़ाई हुई, यानी कि दो मसहरे की लड़ाई हुई, जो हम रो रहा है इन को गोली बज गई, गोली बज गई तो वो मर गया। उसके बाद केस अदालत में चला गया, अदालत में केस चला गया तो सऊदी अरब ने निजाम ने खून तो बदला खून। अगर हाँ जैसा बंदा मर मिले, अगर वो माफ़ करना चाहे कोई, यानी कि उन्हें अदला बदला दे के माफ़ करना चाहे तो वो माफ़ थी सकते, लेकिन सऊदी अरब ने निज़ाम ने के खून तो बदला खून। एक साल केस चला, केस चलने तो बाद काजी ने आखा कि भाई मुहम्मद बिन मुसाल दी, यानी कि सरेआम फांसी दी थी वैसी, तो जिस टाइम फांसी का ऐलान हुआ तो सारे उनके कबीले आले, यानी कि चाचा मामा फुफा ताए सारे कट्ठे उनके कबीले आले पूरी, यानी अपने पिंड आले बस्ती आले सारे जिम्मे कट्ठे थी वो कट्ठे थी गए, कट्ठे थी तो यानी कि जैसा जैसा पहला कजन फौत चुका है, फौत हो चुका है, उन्होंने को यानी कबीले को रिक्वेस्ट की, यानी कि इतनी उन्होंने रिक्वेस्ट करने का इतना यानी तरीकाकार अरब मीडिया तो इतना मशहूर हो गया है ना कि उन्होंने अपने गात्रे सटे अपने पटके सटके, यानी कि घुटने के बाहर बैठे कि भाई एक कत्ल माफ़ कर दिता वजे, कत्ल माफ़ कर दिता वजे। हाँ इस दे बदले उन्होंने अमाउंट भी शो की थी, सोना भी शो किया भाई जिन्ना मर्जी तुम सोना लै लो अमाउंट लै लो लेकिन एक कत्ल माफ़ कर दो। लेकिन एक निज़ाम ही तो है, कुदरत का निज़ाम ही है, लेकिन सऊदी अरब का निज़ाम यह है कि भी कत्ल का बदला कत्ल होता है। लेकिन जड़ा ये हूँ अस देख के ना सू एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की याद भी आ गई है, ठीक है ना, कि कत्ल का बदला कत्ल होता है। लेकिन जड़ा जड़ा जिंदे को कत्ल थी वे अगर वो माफ़ करना चाहे उनके बदले अमाउंट लै लवे या कोई और बई चीज़ लै लवे वह उनका हक है। लेकिन इस वीडियो चो वेखो जी माँ बेचारी रोंदी पई है, एक छोटी जी गलती की वजह तो माँ बेचारी रोंदी पई है कि भी काजी आता कि 20 मिनट तो बाद तेरा पुत्र फांसी चढ़ गया, वो बेचारी दवाइया मरे दी है, उन्होंने प्यार करे दी है, उन्होंने पता देखो उन्होंने अखी के सामने थी पे कि 20 मिनट तो बाद मेरा पुत्र फांसी चढ़ गया, यही वजह तो रोंदी है चिलांदी है उन्होंने प्यार मुहब्बत करे दी है। वो बेचारी क्या रोंदी है उत्ते खड़न वाले सिक्योरिटी शुरते ते मीडिया पूरे रोन पै मैंने उसकी दवाई सुनते ना पूरे रोन पै मैंने कि वाह यार इस भाई ने ना माफ़ कर दिता मैंने यार। लेकिन जाना बाल मर गए वह भी तो एक ही ना, ठीक है, तो यह होंगे निज़ाम, यह होंगे इंसाफ का निज़ाम, कितने इंसाफ का निज़ाम सही भी है, कतल का बदला कतल है, लेकिन अगर ये निज़ाम अपने पंजाब हों तो उत्थे करे माशाल्लाह जी अजकल दौर चलता पे अजकल तौर तरीके चलते पैन, तो मैं तो तकरीबन अंधा पंजाब ही नहीं बचना जिमें अपने इस अफरा तफरा मची पई है या रिश्तेदारी। हाँ देख लो रिश्तेदारी पाकिस्तान खून सफेद नहीं होया, इतने भी खून सफेद हो गई है, देख उनके को कजन फौत थी गया, एक साल पूरा अदालत केस चला, केस चलने तो बाद उन्होंने दुहाई मारी कि भई सारा एक ही पुत्र है कि बड़े मेहरबानी इन्हें माफ़ कर दो माफ़ कर दो, इन्हें मतलब इन्हें ए टू जेड कबीले ने, यानी कि उन्होंने तुम वीडियो देखो ना जो उन्होंने दुआइया करने का अंदाज है उत्थे के बंद इंसान रोना आता है कि वो जिस तरह माफ़ी मंगने पैन, लेकिन उन्होंने भी तो पुत्र फौती आई लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं दी। तो इस वीडियो से सानू सबक सीखना चाहिए कि जेड़े भी अपनी यंग जनरेशन है थोड़ा कंट्रोल करके जीवना चाहिए, माँ प्यो भी सिखाना चाहिए कि हालत उन्होंने कैच नहीं देना चाहिए, हालत उन्होंने रहना सहना यानी खावन पीवन अच्छा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने समझावना चाहिए देखो एक छोटी जी गलती की वजह तो वो घर भी बर्बाद हो गया ये घर भी बर्बाद हो गया, तो जी उनकी माँ है बेचारी दुहाइया मार मार के थक गई है कि यार कि मैं इन तो बगैर किमें जैसा इंदा
इन तो बगैर मैं किमें जी सी वाले साहब किमें जी सी। लेकिन एक निज़ाम है, एक कुदरत निज़ाम है, एक सऊदी अरब का निज़ाम है, कतल दबद होते कतल है। लेकिन हाँ, सऊदी अरब के हुकूमत के खिलाफ ही गल नहीं कर सकते, ये सब तो बड़ी स्ट्रोंग गल है। ठीक है, अगर तुम्हें तो वीडियो अच्छी लगे इन वीडियो में शेयर भी करो, लाइक भी करो, तो इस वीडियो को अगर कोई सबक मिलता पिया तो थले कमेंट करके दसाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।